इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट की। पैरामेट्रिक टेस्ट TFZ टेस्ट भी होता है। तो पैरामेट्रिक टेस्ट हमारे होते हैं बाईवेरिएट एनालिसिस के अंदर। बाईवेरिएट एनालिसिस का मतलब है हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। जब डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो मीट्रिक टाइप का, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक हो नॉन मीट्रिक टाइप का, तब हमारे पास लगते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग, जिसमें पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक होते हैं। इनमें भी अगर हमारे पास दो कैटेगरी हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, जैसे जेंडर, मैन वीमेन, तो हम टी टेस्ट लगाते हैं, जिसका पूरा नाम टू इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है। और दो से ज़्यादा कैटेगरी हो तो अनोवा लगाते हैं। तो चाहे टी लगाएं चाहे अनोवा, उसको हम स्टेप्स देख लेते हैं उसके। और एक फाइल है मेरे पास कार्स, जिसमें मेरे पास तीन चीज़ें गिवन है, सेल्स गिवन है और कितनी टाइप क्या है उनकी, तो कुछ ट्रक हैं, कुछ जीप हैं, कुछ कार हैं, और कैसी ओनरशिप है, कुछ पब्लिक व्हीकल्स हैं, कुछ हमारे प्राइवेट व्हीकल्स हैं। मेरे पास 156 का डाटा है। डाटा में कोई मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं है। कुछ टाइम पहले भी मैंने ये फाइल लेके काम करना शुरू किया था, और मैंने कहा था कि अनोवा डिस्कस करते हैं, और डिस्कस हम करने लग गए थे डाटा एनालिसिस। तो होपफुली आज हम टी टेस्ट अनोवा ही डिस्कस करेंगे। तो अनोवा के फ्रेंड्स दो अजम्पशंस हैं। सबसे पहला अजम्पशन है नॉर्मेलिटी ऑफ द डाटा। नॉर्मेलिटी ऑफ डाटा का मतलब ये होता है कि ये टेस्ट, पैरामेट्रिक टेस्ट, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। तो एक्चुअली तो टी टेस्ट का अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसको हम टी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मिलता जुलता है, शक्ल इसकी थोड़ी सी मिलती है। और आपने सुना होगा कई बार हम बोलते हैं कि 30 से छोटे को हम बोलते हैं टी टेस्ट, और जब सैम्पल साइज 30 से ज़्यादा हो जाता है उसको बोलते हैं हम जी टेस्ट, जेड टेस्ट। तो 30 पे क्या हो जाता है, एक्चुअली जो इसका शेप है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपने पढ़ा होगा कि बेल शेप्ड कर्व होता है। बेल मतलब सेंटर पे मैक्सिमम होते हैं और एक्सट्रीम्स पे कम होते हैं। टी इससे थोड़ा सा अलग होता है। टी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के ऊपर उठा हुआ होता है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से हाइट में छोटा होता है। तो जैसे जैसे सैम्पल साइज बढ़ता जाता है हमारा, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसा बन जाता है, और 30 से ज़्यादा वो नॉर्मेलिटी ही अज्यूम कर लेता है। तो बुक्स में लिखा होता है कि व्हेन एन अप्रोचेस 30, टी डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेस नॉर्मेलिटी और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलो टी तो नहीं हम चेक करें, लेकिन हम चेक कर लेंगे नॉर्मेलिटी, चाहे एफ करें चाहे टी करें, नॉर्मेलिटी पे चेक होता है। और नॉर्मेलिटी शायद मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि एनालाइज के अंदर एक्सप्लोर मेनू में जाके चेक होता है। तो अभी मैंने एक वर्कशॉप में क्वेश्चन पूछा था कि वन सैंपल केएस टेस्ट यहाँ पर भी है नॉर्मेलिटी के चेक करने के लिए, और वन सैंपल केएस टेस्ट ऊपर भी है नॉर्मेलिटी चेक करने के लिए, तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले एक बार ये समझते हैं नॉर्मेलिटी किस चीज़ की। नंबर वन, नॉर्मेलिटी सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल की होगी, इंडिपेंडेंट की तो हो ही नहीं सकती है, नॉन मेट्रिक है, डिपेंडेंट की। डिपेंडेंट की नॉर्मेलिटी नहीं, डिपेंडेंट की, इंडिपेंडेंट की हर कैटेगरी के लिए नॉर्मेलिटी चेक करनी है हमें। तो अगर मुझे अब यहाँ पर चेक करना है कि क्या कार का डाटा, सेल्स का डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉट कार, सेल्स का डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 156, तो एक तो मैं यहाँ से चेक कर सकता हूँ नॉन पैरामेट्रिक वन सैंपल के एस, जस्ट क्लिक ऑन द ओके, सिर्फ नॉर्मल पे क्लिक कर, मैं यहाँ पे पॉइजन और यूनिफॉर्म पे भी चेक कर लेता हूँ, ओके। तो बहुत सारे स्कॉलर बोलते हैं सर हमने डाटा चेक किया था और उसमें नीचे लिखा भी आ गया था टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल। तो सबसे पहले तो नोट करें, ये जो ए है ये रिजल्ट नहीं है, ये हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस है कि टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है। चेक किससे होगा, चेक होता है असमेट्रिकल सिग्निफिकेंस वैल्यू टू टेल से। अगर ये वैल्यू 0.05 से बड़ी है तो हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट वरना रिजेक्ट। यही दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ किया था क्लिक बाकियों पे, यहाँ लिखा है टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म, यहाँ लिखा है टेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉइजन। इसका मतलब ये नहीं है कि ये डाटा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन पे भी है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड पे भी है, ये होती है हमारी हाइपोथेसिस। और ये सिग्निफिकेंस वैल्यू को चेक करें, ये बाकी को अभी छोड़िए। अगर ये वैल्यू 0.05 से बड़ी है, यानी ये डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन ये डाटा मेरा ओवरऑल डाटा आ गया, मुझे क्या चेक करना है, कैटेगरी वाइज मेरा यहाँ पर इस फाइल में रिसर्च क्वेश्चन है, क्या मेरी सेल्स अलग अलग टाइप ऑफ व्हीकल के लिए सेल अलग है या डिफरेंट है, और बाद में ओनरशिप के लिए सेम है या डिफरेंट है। तो तीन कैटेगरी है मेरे पास, कोड मैंने दिया है 012। तो इन तीनों के लिए मुझे चेक करना है। तो ये जो हमारा नॉन पैरामेट्रिक के अंदर वन सैंपल केस टेस्ट है, ये ओवरऑल को चेक करता है, कैटेगरी वाइज को चेक नहीं करता। कैटेगरी वाइज हम एक्सप्लोर से चेक करते हैं। तो एक्सप्लोर में आए, सेल्स और व्हीकल टाइप को यहाँ डाला, तीन मेनू हैं,
मैं 11 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, आपके पास शायद लेटेस्ट वर्जन हो तो ये शायद ऊपर इधर आ गए हैं, मतलब हैं यही मेनू। स्टेटिस्टिक्स में आउटलायर वगैरह है जो हम डिस्कस कर चुके, डिस्क्रिप्टिव भी हमें नहीं चाहिए, तो हम यहाँ प्लॉट पे टिक कर देते हैं। और प्लॉट के अंदर है नॉर्मेलिटी प्लॉट विद द टेस्ट, और मैं हिस्टोग्राम या ये भी नहीं चाहिए हमें, छोड़िए सीधा प्लॉट, प्लॉट के अंदर नॉर्मेलिटी टेस्ट, ओके। तो इसने एक केस प्रोसेसिंग समरी दी और सेकंड यहाँ पर दिया है टेस्ट ऑफ नॉर्मेलिटी। चेक क्या करते हैं, ये वही है वन सैम्पल के एस टेस्ट, लेकिन अब ये कैटेगरी वाइज आ गया और सिग्निफिकेंस वैल्यू हर एक के लिए 0.05 से ज़्यादा आनी चाहिए। नाउ व्हाट विल डू कि अगर एक दो की नहीं आ रही है, ऐसा अक्सर होता है कि कार की आ गई इसकी नहीं आ गई, वेल टेक्निकली तो आपका अजम्पशन वायलेट हो रहा है, आपको लगाना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर एक और भी पॉइंट आता है, एंडफील्ड बोलते हैं कि अगर आपके कार, ट्रक और जीप, इनके तीनों में नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर कितने हैं, कार के 89, ट्रक के 23, जीप के 44, अगर ये कंपेरेबल हों, लाइक 23 है, 40 है, 30 है, तब इवन आपका अजम्पशन ऑफ नॉर्मेलिटी अगर वायलेट होता है तो भी टी या अनोवा बहुत रोबस्ट टेस्ट है, इनके रिजल्ट्स बहुत सही आते हैं। एंडफील्ड की बुक में आप ये पढ़ सकते हैं, अजम्पशंस में लिखा हुआ है। तो इसका मतलब, लेकिन उन्होंने क्लियर लिया है कि अगर यहाँ पर भी एन बराबर नहीं है, नंबर ऑफ आइटम्स इन ईच कैटेगरी, अगर वो भी बराबर नहीं है और आपकी नॉर्मेलिटी भी नहीं है, तब रिजल्ट्स गड़बड़ हो सकते हैं। तो इनको इक्वल रखना, ये तो सैम्पल डिज़ाइन का पार्ट है, ये तो अपने हाथ की बात है, तो इसको आप इक्वल रख लें। तो इवन नॉर्मेलिटी अगर वायलेट हो भी जाती है तो भी आप अनोवा लगा सकते हैं, इसीलिए मैक्सिमम लोग आपने देखा होगा अनोवा लगाते हैं, इनके सब्स्टिट्यूट एच या यू बहुत रेयरली देखे होंगे आपने। ये पहला तरीका है चेक करने का। दूसरा तरीका है आप प्लॉट देखिए, क्यूक्यू प्लॉट, क्यूक्यू प्लॉट, क्वार्टाइल क्वार्टाइल प्लॉट, और पीपी प्लॉट होता है परसेंटाइल परसेंटाइल प्लॉट। अगर आपके मैक्सिमम पॉइंट्स इस डायगोनल लाइन के ऊपर आते हैं तो ये आपकी नॉर्मेलिटी है, लाइक कार में है, और ट्रक में थोड़ी सी हमें लग रही है दिक्कत, जीप में लग रही है नॉर्मेलिटी है यहाँ पे, पर ये एक सब्जेक्टिव मेथड है, मुझे लग रहा है कि ये तो नहीं है लाइन पे, पर जो वन सैंपल के टेस्ट है वो कह रहे हैं नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं हमेशा इसको ज़्यादा वेटेज देता हूँ क्योंकि ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ग्राफिकल में थोड़ा सा डाउट रहता है हमें, नीचे वाले डेट्रेंट को छोड़ दीजिए अभी। तो हमारा हो गया कि इसमें हमारे डाटा में नॉर्मेलिटी है, मैंने यहाँ स्टेप्स लिख दिए हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेप, नॉर्मेलिटी टेस्ट चेक करें, वन सैंपल, डिसीजन रूल, इनके से अगर आप भूल जाएं तो ये रूल, वैसे तो पूरी हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यही रूल है, अगर पी वैल्यू 0.05 से बड़ी है तो हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है। यहाँ नल हाइपोथेसिस थी डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक्सेप्ट होगी, तो अगर पी वैल्यू 0.05 से बड़ा है तो गो टू नेक्स्ट स्टेप जा सकते हैं, नहीं है तो आप चेक कीजिए कि आपकी कैटेगरी सेम है, अगर कैटेगरी में नंबर ऑफ आइटम सेम है, अगर सेम है तो यू कैन स्किप दिस। अब आता है होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। सबसे पहले ये क्यों, ये टेस्ट क्यों लगाना है हमें, इसका क्या यूटिलिटी है, नॉर्मेलिटी क्यों लगाना था, नॉर्मेलिटी इसलिए लगाना था कि ये अपने शब्द सुना होगा, लोग बोलते हैं कि टी टेस्ट की टेबल वैल्यू चेक करो, एफ टेस्ट की टेबल वैल्यू चेक करो, वो टेबल वैल्यू का मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन है। सो फर्स्ट हम वो वैल्यू, टेबल वैल्यू सिर्फ तभी यूज़ कर सकते हैं अगर हमारा डाटा उस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता हो, तो इट मेक सेंस कि पहले नॉर्मेलिटी चेक करें। अब आते हैं होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, तो एक मिनट के लिए इसको छोड़ते हैं और आप एक क्वेश्चन पे चलिए। मेरे पास दो डाटा सेट हैं, लेट्स से दो बैट्समैन हैं, ए बैट्समैन ने 4 इनिंग्स में रन बनाए 400-000, बी ने 400-100। पहले आप मुझे बताइए ए और बी की परफॉर्मेंस एक जैसी है या नहीं है, तो वैसे तो कोई भी देखते ही कहेगा बी तो बहुत ही कंसिस्टेंट है, और अगर आप टीम के कैप्टन हैं आप शायद बी को लेना चाहेंगे, ए को ना लेना चाहें तो। लेकिन अगर हम इसमें टी टेस्ट लगाते हैं, और टी टेस्ट हमेशा काम करता है एवरेज पे, तो हमने कहा अच्छा एवरेज बताओ, एवरेज दोनों की 100 है, तो सिर्फ एवरेज को देखें तो हमारा कंक्लूजन रहेगा कि ये दोनों, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। टी टेस्ट का फार्मूला क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द टू मीन्स, तो डिफरेंस टू मीन्स क्या आएगा, 100-100 डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर। अब ये स्टैंडर्ड एरर आपकी कुछ भी हो, अल्टीमेटली ये वैल्यू 0 आ जाएगी। और एक हमने लिखा होता है, शायद आपने पढ़ा हो, टी कैलकुलेटेड इफ़ इट इज़ लेस देन टी टेबल वैल्यू, तो इसका मतलब होता है हमारा हाइपोथीसिस, नल हाइपोथीसिस क्या एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड। मैं यहाँ पे वर्ड एक्सेप्टेड लिख रहा हूँ, लेकिन बुक्स में आपको मिलेगा नॉट रिजेक्टेड या रिजेक्टेड, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने एक बार एक प्रोफेसर से पूछा था कि इसका क्या मीनिंग होता है कि नॉट रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड,
तो उनका ये कहना था कि एक छोटे से सैंपल के ऊपर काम करके हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब थिंक ऑफ, आपको बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, आपका सैंपल साइज आपने लिया 100, 500 और आपने हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर दी, डजेंट मेक सेंस। तो हम सिंपली ये कह रहे हैं नॉट रिजेक्टेड, एक बार और करके देखते हैं, दूसरा सैंपल, तीसरा सैंपल, पांचवा सैंपल, अगर बार बार वो आ रहा है तब हम हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे। तो चलो टेक्निकली नॉट रिजेक्टेड या एक्सेप्टेड आप ऐसे लिख लीजिए। तो यहाँ हमारा क्या कंक्लूजन निकला, मेरे अंदर हाइपोथेसिस थी दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, हालांकि मुझे पता है दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बी कंसिस्टेंट है ए नहीं है, पर टी टेस्ट का कहना है टी की वैल्यू आई 0 और कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू रफली 2 होती है हमेशा, छोटी है, तो हमने कहा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखिए ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, टी टेस्ट कह रहा है दोनों में कोई परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं है, जबकि फ़र्क तो हमें काफ़ी दिख रहा है, तो क्या गड़बड़ है। एक लेवन ने क्या कहा, लेवन ने कहा कि आप इन दोनों का वेरियंस भी निकालें, इसका वेरिएंस है 40,000, इसका वेरिएंस है 0, तो टी टेस्ट सिर्फ तभी सेंस करेगा जब आपका ये दोनों वैल्यू ऑलमोस्ट कंपेरेबल हो, ऑलमोस्ट सेम हो, मतलब सिमिलर ना हो, एग्जैक्ट सेम ना हो, लेकिन कंपेरेबल तो हो। तो अभी क्या ये टी टेस्ट हम क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ये वैल्यू बिल्कुल अलग है, ये वैल्यू मतलब वेरियंस, वेरियंस कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो ये देखिए कितना फ़र्क है, ये कितना फ़र्क है। तो टी लगाने से पहले आपको कंपल्सरली एक लाइसेंस लेना पड़ेगा लेवन से कि हाँ जी इन दोनों के वेरिएंस ठीक हैं, दो यूनिट्स के, चाहे आप टी लगाएं चाहे आप अनोवा लगाइए। सबसे पहले आप ये देख लीजिए आपको ये अपील कर रहा है कि नहीं कर रहा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर लेवन की हम नहीं सुनेंगे तो क्या होगा, हम कुछ भी वियर्ड कंक्लूजन निकालते रहेंगे टी के बेस पे। तो टी का एक असेंशियल पॉइंट हो गया कि टी लगाने से पहले आप एक बार वेरियंस चेक करें और वेरियंस सेम होने चाहिए। तो थिंक ऑफ अगर ये ऐसा होता डाटा 98, 101, 99, 102, अब देखो मीन दोनों का सेम है और वेरिएंस बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ये 0 है तो ये 3.3 है, मीन तो अभी भी दोनों का सेम है, लेकिन अब इसका रिजल्ट हम निकालेंगे वो अलग से उसका रिजल्ट आना चाहिए हमारा। तो मतलब या हम यूँ बोलें कि होमोजेनिटी ऑफ वेरियंस को हमें चेक करना चाहिए, तो यहाँ हम चेक करेंगे होमोजेनिटी ऑफ वेरियंस और होमोजेनिटी ऑफ वेरियंस पी वैल्यू देगा। तो लेवन है जो होमोजेनिटी ऑफ वेरियंस चेक करता है, लेवन टेस्ट की स्टेटिस्टिक्स अगर 0.05 से बड़ी है तो इसका मतलब इक्वल वेरियंस है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन प्रोसीड विद द वट एवर टेस्ट, पैरामीट्रिक टी लगाइए चाहे आप एफ लगाइए। और अगर ये 0.05 से छोटा है तो इसको केस टू में बोल रहा हूँ, उस केस में हम कुछ इसके और यूज़ करेंगे, ऑप्शन क्या होंगे। तो पहले मैं बात करता हूँ, तो मैं साथ साथ चेक करता जाऊँ, इसमें एक्सेल का काम खत्म। और अब हम इसका चेक करते हैं लेवन का टेस्ट। होमोजेनिटी ऑफ वेरियंस के लिए दो तीन तरीके हैं, पहला तो आप यहाँ से डिस्क्रिप्टिव निकाल दीजिए, सेल्स का डिस्क्रिप्टिव, ओके हमें निकालना है हर कैटेगरी का, ये भी कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ से वेरियंस निकालता हूँ तो ये वेरियंस ओवरऑल निकला 6.3, ये तो पूरे सेल्स का निकल गया, मुझे निकालना है हर कैटेगरी का, यानी कार में जो वैल्यूज़ हैं उनका कितना वेरियंस, जीप का कितना वेरियंस है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कंपेयर मीन में, फर्स्ट ऑप्शन है मीन्स, सेल्स व्हीकल टाइप के लिए चेक करें, और निकालना क्या है हमें ये कुछ नहीं चाहिए, मीन और वेरिएंस देख लीजिए, वेरिएंस है कहीं पे, वेरिएंस यूज़ करते हैं, इससे हमें एक रफ आइडिया हो जाएगा। 156 केस है, कार का वेरिएंस है 5, ट्रक का है 12, जीप का है 4, तो इक्वल तो नहीं लग रहे हैं, कार का, जीप का तो फिर भी ठीक है, ट्रक का वेरियंस बहुत ज़्यादा है। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि लेवन को ये बोलना चाहिए कि भाई इनके वेरिएंस सेम नहीं है, ये रॉ फॉर्म में। अगर इसका ग्राफिकल वर्जन आप देखना चाहें तो एरर बार, ग्राफ के अंदर एरर बार, नए जो वर्जन है उसमें ग्राफ के अंदर आपको पहले मिलेगा कुछ ग्राफिकल और दूसरा मिलेगा शायद लेगेसी डायलॉग या समथिंग, ढूंढ लीजिएगा एरर बार, एरर बार सिंपल और सेल्स को व्हीकल टाइप पे। तो ये क्या करता है, एरर बार हमारे वेरियंस का ग्राफ बनाता है, कार में देखिए कितना वेरिएंस है, कार का मीन था यहाँ पर समथिंग 60.12 और ये वेरिएशंस हैं, जीप का जो मीन है वो भी लगभग उतना ही है 60.43, ट्रक का मीन इन दोनों से अलग है 61 है, पर वेरिएंस देखिए ट्रक में कितनी ज़्यादा वेरिएशन है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की। ये तो हुए हमारे ग्राफिकल तरीका, ये स्टेटिस्टिकल क्या है, स्टेटिस्टिकल तरीका है, अब हम चलते हैं वन वे अनोवा, सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हीकल टाइप, और ऑप्शंस में जाके हमने क्लिक किया डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव का मतलब मीन बताइए, स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस का मतलब है लेवन टेस्ट, कंटिन्यू, ओके।
तो ये तो वही आ गया, कार का मीन इतना, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका अगर हम स्क्वेयर करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे वेरिएंस पे, 2.29 का स्क्वेयर इतना, 3.46 का 12 एक्सेट्रा। तो ये है पहला हुआ लेवन टेस्ट। लेवन टेस्ट की वैल्यू 0.05 से छोटी है, 0.05 से छोटी है, इसका मतलब दोनों के वेरिएंस तीनों ग्रुप के सेम नहीं है, जैसा कि हमने एक्सपेक्ट ही किया था, इसका वेरिएंस बहुत ज़्यादा है। तो अब यहाँ पर हमें टेक्निकली वन वे एन वन नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये तो तब यूज़ करते हैं जब हमारा होमोजेनिटी वेरिएंस आए। तो क्या करेंगे यूज़, वन वे एनोवा में ऑप्शंस में एक लास्ट है वेल्च। तो इसका इम्प्रूवमेंट पहले ब्राउन ने दिया था, उस पर फिर इम्प्रूवमेंट करके वेल्च ने दिया। तो वेल्च ने कहा कि ये वाला टेस्ट लगा लीजिए अब। तो अब ये देखिए होमोजेनिटी वेरिएंस वही, इसको नहीं करेंगे, इसको मैं अभी हाइड कर देता हूँ, और अब हम यूज़ करेंगे वेल्च टेस्ट। वेल्च टेस्ट का ये मैंने यहाँ लिख दिया है, चाहे आप वेल्च यूज़ करें चाहे आप वन वे एनोवा यूज़ करें, उनमें पी वैल्यू को चेक करें। नल हाइपोथेसिस हमेशा होती है दैट देर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन स्कोर ऑफ वेरियस कैटेगरीज। सबसे पहले देखिए नल हाइपोथेसिस की ये एक टेम्पलेट लाइन है, देर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। किस में टी और एफ हमेशा मीन स्कोर पे काम करते हैं, मीन स्कोर डिपेंडेंट वेरिएबल का, किसके लिए, अलग अलग कैटेगरी के लिए। जैसे यहाँ पर हो जाएगा देर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन स्कोर ऑफ सेल्स फॉर द वेरियस कैटेगरी है कार जीप एंड द ट्रक। तो डिसीजन रूल क्या बनेगा, डिसीजन रूल हमारा बनेगा कि ये जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है अगर ये 0.05 से बड़ी है, तो मैंने यहाँ लिखा है 0.05 से बड़ी है, नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड एंड मीन स्कोर ऑफ ऑल कैटेगरीज आर सेम, तो हमारा कंक्लूजन ये निकला है कि इन तीनों के मीन स्कोर में कोई फर्क नहीं है, तीनों सेम है। चाहे इस चीज़ को अब ये देख लीजिए, बहुत लोग बोलते हैं अनोवा लगा लो या आप ये लगा लीजिए, तो देखिए अनोवा के रिजल्ट अलग आ रहे हैं यहाँ पे, 0.05 से छोटा आ रहा है ये, लेकिन आपको यहाँ पे यूज करना चाहिए वेल्च, ये डिटेल एंडफील्ड बुक में गिवन है। तो अगर हमारा एक बार दोबारा देख लीजिए होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, अगर पी वैल्यू 0.05 से बड़ा तब हम बोलेंगे इक्वल वेरिएंस है और आप लगा लीजिए वन वे एनोवा, अगर नहीं है छोटा है तो इस केस में हमारा क्या आ रहा था, इस केस में लेवन टेस्ट की वैल्यू है 0.05 से छोटी तो वेल्च यूज होगी, वो मैंने यहाँ लिखा है पी वैल्यू इज़ लेस देन 0.05 यूज वेल्च टेस्ट। नल हाइपोथेसिस सेम रहेगी, उसकी पी वैल्यू क्या आ रही है 0.05 से बड़ी आ रही है, तो यहाँ हम निकालेंगे मीन स्कोर ऑफ ऑल द कैटेगरीज आर द सेम। नाउ इन केस ये आता, एक मिनट के लिए हम मानते हैं कि ये आता कि ये डिफरेंट है, तो अब डिफरेंट है का इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं कह रहा हूँ तीन कैटेगरी हैं, मान लीजिए ए बी सी, मैं इसको नीचे लिख लूँ, मैंने एक नल हाइपोथेसिस यहाँ बनाया है, नल हाइपोथेसिस है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अगर मैं बोलता हूँ ये नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई है तो इसका क्या मतलब है, क्या इसका मतलब है ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ऐसा भी हो सकता है, या ए इज़ नॉट इक्वल टू बी लेकिन बी और सी इक्वल है, या ए और सी इक्वल है बी इक्वल नहीं है, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो इसलिए हम जब भी नल हाइपोथेसिस अनोवा में वेल्च में रिजेक्ट होती है, हम यहाँ लिखते हैं एटलीस्ट वन ऑफ द कैटेगरी डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द रेस्ट इन देयर मीन स्कोर। इसका मतलब हमें नहीं पता क्या तीनों अलग है कि नहीं, लेकिन एक तो अलग है तीनों में से, तो इसलिए ये लिखते हैं लाइन। और जब भी ये लाइन लिखते हैं आगे लिखते हैं फॉर द डिटेल्ड एनालिसिस पेयर्ड कंपेरिजन शैल बी कंडक्टेड, यानी अब ए को बी से कंपेयर करेंगे, बी को सी से, ए को सी से। अब इसमें ये देखिए फ्रेंड्स, अगर हमारा होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस था, लेविन ने बताया है, तब तो हम वन वे अनोवा यूज़ करेंगे, और वन वे अनोवा का जो पार्टनर है, स्ट्रेटजिक पार्टनर पोस्ट हॉक के लिए, वो है टकी मेथड। अगर वेल्च यूज़ करेंगे तो वेल्च का हमारा पार्टनर है गेम सोवल मेथड। इसको एक बार चेक कर लें, यहाँ पे इस एग्जांपल में होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस ने बताया कि भाई आपका डाटा वेरिएंस सेम नहीं है, ठीक है, इन केस ये वैल्यू हमारी आती 0.05 से छोटा, इन केस अगर आती तब हम क्या करते, दोबारा वन वे अनोवा लगाते, और यहाँ पोस्ट हॉक है, पोस्ट हॉक में देखिए कितने मेथड हैं, तो 14 मेथड्स तो हैं इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड के, और चार मेथड हैं हमारे इक्वल वेरिएंस नॉट अज्यूम्ड के। सबसे पहली बात, जब लेवन ऊपर बोल चुका है यहाँ पे कि आपका वेरिएंस इक्वल नहीं है, तो ये तो हमें लगाना ही नहीं चाहिए इक्वल वेरिएंस अज्यूम्ड, इन चार में से ही लगेगा, इन चार में जो सबसे अच्छा मेथड है वो गेम सॉल्व मेथड है। इसका मतलब लेवन हमारा डायरेक्शन बताता है, या तो हम जाएंगे वेल्च प्लस गेम सोवल पे, अगर
इन केस यहाँ पे ये बताया होता इन्होंने, वेल्च ने ये वैल्यू 0.05 से बड़ी आती, तो हम बोलते हैं अच्छा आप अनोवा पे जाइए, अनोवा में छोटा है तो आप इसमें पेयर्ड कंपैरिजन करेंगे। तो इन दैट केस हम क्या करते, यहाँ पर आते पोस्ट हॉक में इक्वल वेरियंस अज्यूम्ड और यहाँ टकी करते, टकी भी नहीं टकी। तो अब एंडीफील्ड बुक में सारे एक्सप्लेन है एलएसडी का क्या मीनिंग है, बॉनफेरारी कब यूज़ होता है, सिडेक कब यूज़ होता है, इनके अलग अलग गिवन है। तो इन जनरल टकी इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट मेथड, तो आप इसको लगा सकते हैं। तो अभी प्रेजेंट केस में तो खैर हमारे डिफरेंस ही नहीं है, अगर डिफरेंस होता, अगर मैं अनोवा का केस लेता हूँ, अगर मतलब ये वैल्यू 11 की वैल्यू 0.057 होती है, तो मैं एक बार इसको चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, अगर ये वैल्यू हमारी इस तरह की आती, मिनट 0.087, ओके, अगर ये वैल्यू मान लीजिए ऐसे आती, तो मैं बोलता कि हाँ ठीक है होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस है, तो यहाँ पर जाइए, रोबस्ट टेस्ट हमें नहीं चाहिए। इसमें हम फिर यहाँ पे स्टडी करते पी वैल्यू जो हमने लगाया है, नल हाइपोथेसिस इज नॉट रिजेक्टेड, अनोवा की हमारी कितनी आ रही है पी वैल्यू 0.01, 0.05 से छोटी है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, तो हम बोलते हैं पोस्ट हॉक एनालिसिस लगाते हैं। अब इसमें पोस्ट हॉक जब हम लगाएंगे वन वे अनोवा, पोस्ट हॉक में अब हम करेंगे टकी मेथड, कंटिन्यू और ओके। तो अब यहाँ पर आ जाएगा पोस्ट हॉक। अब क्या करेंगे, कार को ट्रक से कंपेयर करेंगे, कार को जीप से कंपेयर करेंगे। अब कार और ट्रक में जो मीन स्कोर है, मीन स्कोर कितना है इनका 60 और 61.8, दोनों का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है हमारा -1.75। तो माइनस का कोई मतलब नहीं, वो तो ट्रक को जीप से कार से करेंगे तो 1.75 आ जाएगा, हर वैल्यू दो बार आएगी। और इसको जब हमने चेक किया, इसकी सिग्निफिकेंस वैल्यू आई 0.008, इसका मतलब कार और ट्रक के अंदर सिग्निफिकेंटली गैप है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। व्हाट अबाउट ट्रक एंड जीप, ट्रक एंड जीप में भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और वो रिपीट होगी फिर। तो अब इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे कि कार और जीप में देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ट्रक जो था वो दोनों कैटेगरी से काफ़ी डिफरेंट मिला था। इसी चीज़ को समझाने के लिए एक दूसरा तरीका है होमोजेनियस सबसेट, कि जो एक जैसे हैं वो इधर लिख दिए, कार और जीप पहले सबसेट में ये एक जैसे हैं, ट्रक अकेला है, यानी ट्रक इन दोनों से अलग है, ये दोनों एक जैसे हैं। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा सही है, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। तब अब इसका हम ये हो गया माइक्रो एनालिसिस टाइप, नल हाइपोथेसिस थी इन तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, स्टेप नंबर वन नॉर्मेलिटी का, स्टेप नंबर टू इनके स्क्वायर वेरिएंस सेम होने चाहिए, जो हमारा होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस हम मान लिया हमने थोड़ी देर के लिए कि सेम है। तो अनोवा पे आए सेम है, तो अनोवा पे हमारा नल हाइपोथेसिस इन तीनों के मीन स्कोर में कोई डिफरेंस नहीं है, अनोवा ने कहा नहीं डिफरेंस है, एटलीस्ट कोई एक डिफर करता है। तो हम आगे पोस्ट हॉक पे टकी मेथड, टकी मेथड में फिर बारी बारी सबको कंपेयर किया, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हैं, तो फिर वही 0.05 से छोटा चेक करेंगे, जिन जिन का 0.05 से छोटा है वो डिफर करते हैं, यानी ट्रक तो कार जीप से डिफर करता है लेकिन कार और जीप आपस में डिफर नहीं करते हैं। इसी चीज़ को अगर मुझे ग्राफिकली दिखाना है तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस में मीन प्लॉट भी है, बाकी वैल्यू मैं हटा देता हूँ। तो मीन प्लॉट के अंदर ऐसे भी आ जाता है कि देखिए कार का यहाँ पर, जीप का यहाँ पर, इसका यहाँ पर, इससे आप बिल्कुल ना इफेक्ट हो कि ये इतना ज़्यादा, वो यहाँ पे देखिए इंक्रीमेंट 0.5 का है, तो कार और जीप का ऑलमोस्ट एक जैसा है लेकिन ट्रक इन दोनों से सिग्निफिकेंटली डिफर करता है। हालांकि मीन प्लॉट देख के हम ये नहीं बता सकते, काफ़ी डाउटफुल रहता है मीन प्लॉट देख के कि डिफरेंस है या नहीं, पर हाँ अगर डिफरेंस आ रहा हो तो मीन प्लॉट आप यूज़ कर सकते हैं कि डिफरेंस है इन चीज़ों में। तो ये हमारा था वन वे अनोवा, और वन वे अनोवा के अंदर हमने बातें की हैं, नंबर वन कब लगता है ये बाईवेरिएट एनालिसिस है, नंबर टू इसमें पहले नॉर्मेलिटी चेक करनी है, और अगर आपकी नॉर्मेलिटी नहीं है तो चेक करें कि आपकी अलग अलग कैटेगरी में डाटा सेम है, अगर सेम है तो आप लगा दीजिए, अनोवा बहुत रोबस्ट टेस्ट है। अगर वो भी सेम नहीं है तब मे बी इसका एक सब्स्टिट्यूट होता है एच टेस्ट। सेकंड होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, तो मैंने समझाने की कोशिश की कि इसका लॉजिक क्या है, 11 क्या बोलता है आपको, क्यों 11 को यूज करना चाहिए। 11 हमें दो रास्ते बताएगा, एक रास्ता है होमोजेनिटी का जिस पे हैं हमें मिलेंगे वन वे अनोवा, एफ टेस्ट जिसको बोलते हैं, और टकी मेथड। दूसरा मेथड है वेल्च टेस्ट और गेम्स ओवल मेथड, और ये उनके लिखने के तरीके हैं। सो ये फाइल और ये स्टेप्स आपको इस वीडियो के साथ अवेलेबल रहेंगे।
आई होप इट वॉज क्लियर। सेकेंड वीडियो में हम बात करते हैं ओनरशिप के साथ, जिसमें टी टेस्ट लगाएंगे।